पर्ची आपका? बीरेंद्र सिंह, महार धाम सचिव। वीरेंद्र जी, आप महार धाम मंदिर का काफ़ी कुछ गुणगान सुनने में मिलता है, महार धाम मंदिर की क्या विशेषता है? विशेषता तो अति प्राचीन शिव मंदिर है, ये महाराज दशरथ द्वारा स्थापित यहाँ की मूर्तियाँ हैं, सब परिवार हैं। शिव जी और शिवरात्रि और श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु यहाँ से 30 किलोमीटर दूर गाजीपुर गंगा से गंगा जल लेकर, कोई पैदल, कोई इतना भक्त होता है कि सो कर भी आता है। तो अति प्राचीन मंदिर है और इसके का बहुत ही बड़ा महत्व है। देखा जाए तो महार धाम शिव मंदिर पर पड़ोसी राज्य के भी लोग दर्शन पूजन के लिए आते हैं। बिल्कुल आते हैं, जैसे सटा हुआ राज्य बिहार है, बिहार से भी लोग आते हैं और उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। क्या कारण है उसका? कारण है कि महाराज दशरथ द्वारा स्थापित एकमात्र मंदिर है, ऐसा पूरे भारत में मंदिर नहीं मिलेगा जो कि पूरे शिव परिवार की मूर्ति स्थापित हो, और ऐसी मूर्ति की स्थापना कोई चक्रवर्ती सम्राट ही कर सकता है जो महाराज दशरथ के द्वारा ही स्थापित है। दर्शनार्थी क्या मन में लेकर आते हैं जो यहाँ पर? जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, और जो भी मन्नत मानते हैं जरूर उनकी मनसा पूरी होती है। पर्ची आपका? महार धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रवेश सिंह। डॉक्टर साहब, आप मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं और मंदिर समिति काफ़ी मान्यता वाली मंदिर है और मंदिर पे लाखों लोगों का आवागमन होता है, क्या कुछ कहेंगे मंदिर को लेकर? ये राजा दशरथ की गढ़ी रही है और यहाँ उनके गुरु विश्वामित्र जी की धरती है। यहीं पर राजा दशरथ जी ने श्रवण कुमार को सप्तवेदी बाण मारे थे और तब से यह धरती शंकर भोलेनाथ की स्थापना जो है राजा दशरथ जी ने ही किया था, और भोलेनाथ की कृपा से यहाँ सारे लोग भक्त आते हैं, उनका दर्शन करते हैं, मनोकामना उनकी पूरी। वर्तमान समय में सावन मास चल रहा है, सावन मास में कैसे दर्शनार्थी आ रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो रही है और लोगों की सेवा कमेटी कर रही है, प्रशासन भी जुटा हुआ है और उनके सेवा के लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहते हैं। लोगों का किस प्रकार का आस्था जुड़ा है मंदिर से? मंदिर से आस्था ये है कि यहाँ मनोकामना जो उनकी होती है भोलेनाथ पूरा करते हैं, इसीलिए शिव भक्त यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और जल चढ़ाते हैं। पर्ची आपका? संजय तिवारी। संजय जी, आप महार धाम शिव मंदिर के परिसर में हैं, सावन मास चल रहा है, क्या कुछ महार धाम को लेकर कहेंगे? बाबा, सबसे पहले तो ये राजा दशरथ की यहाँ की प्रतिमा है, यहाँ मूर्ति रखी हुई है, बहुत दिनों से हम लोग के सुनने को आ रहा है, आता है कि बहुत दिनों से है, और यहाँ लोग आते जाते हैं, श्रद्धा भाव से जो भी पूजा पाठ करते हैं, विश्वास है बाबा पे और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। पर्ची आपका? मेरा नाम भीम सिंह, ग्राम पोस्ट डोरसर जिला। भी आज आप महार धाम में आए हैं, सावन मास चल रहा है, महार धाम को लेकर क्या कहेंगे कुछ? महार धाम यहाँ के हिंदुओं के लिए बहुत ही एक मनोरम स्थान है और यहाँ के लोगों की आस्था है कि जो भी मांगा जाता है, चाहे यहाँ आने के बाद बहुत सुकून और शांति महसूस होता है, और लोगों का ये श्रद्धा है या उनका मानना है कि यहाँ पर जो भी मांगा जाता है उनको मिल जाता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप कितने दिनों से हम महार धाम आते जाते हैं? हम लोग तो करीब 20-25 साल से यहाँ पर आ रहे हैं और हमेशा आते जाते रहते हैं। आने जाने से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया? बहुत परिवर्तन दिखाई दिया है। क्या कुछ हम जानना चाहते हैं आपसे? अरे, पहले तो यहाँ आने के बाद आत्मविश्वास बढ़ जाता है और जो भी मांगा गया है अब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, लोग जानना चाहते हैं कि महार धाम में आखिर क्या मन चाहे मुराद क्या है? मन चाहे मुराद हमने चाहा कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, मिला। महंत जी, आप महार धाम के महंत हैं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविशंकर तिवारी, हम बिहार के रहने वाले। अच्छा रविशंकर जी, महार धाम में इस समय सावन मास चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसी पूजा पाठ लोग कर रहे हैं? पूजा पाठ बहुत अच्छे से हो रहा है, हमारे सर दिवाली भक्तों लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, इतना सारे भक्त आते हैं, कोई पैदल चल कर आता है, कोई सो के आता है, कोई बच्चे लोग कांवर लेकर आते हैं, और हमारे बूढ़ बुजुर्ग माताएं बहनें
सभी आते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर मनचाही मुराद पूरी हो जाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये बात सही है, जो हमारे सरदयालु लोग भगवान से मन्नत करते हैं उसका मन्नत पूरा कर देते हैं हमारे बाबा। हम प्रतिदिन कितने लोग यहाँ दर्शन पूजन करते होंगे? लगभग 10,000 से ज़्यादा आते जाते हैं और सोमवार के दिन लाखों की संख्या में भीड़ रहती है। इस समय सावन मास चल रहा है, सावन मास में क्या कैसा पूजा पाठ चल रहा है? इस समय पूजा पाठ बहुत जोर शोर से चल रही है, हमारे सरदारी भक्तों लोग आते हैं और उनका मन्नत पूरा भगवान करते हैं। पर्चे आपका? धर्मराज मिश्रा, सुलेमानपुर देवकली। धर्मराज जी, आपके पीछे महाराधाम शिव मंदिर है जी, आप दर्शन पूजन भी करते हैं और पुजारी भी जी। महाराधाम मंदिर को लेकर क्या कुछ कहेंगे? महाराधाम मंदिर का बहुत भव्य व्यवस्था है, बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ। लोग तरह तरह के लोग यहाँ आते हैं, पुजारी बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ राजा दशरथ जी आए थे और सत्यवेदी बाण मारे श्रवण कुमार को। सावन मास और महाशिवरात्रि पर महाराधाम मंदिर पर क्या व्यवस्थाएं रहती है, क्या है, दर्शनार्थी कैसे आते जाते हैं? दर्शनार्थी अपने व्यवस्था से आते हैं, लाइन लगाकर दर्शन करते हैं, सभी को सेवा भाव से दिया जाता है, उनका पूजा पाठ कराया जाता है, उसके बाद वो लोग अपने घर को प्रस्थान करते हैं। पर्चे आपका? हमारा नाम दया शंकर चौबे है और इस पौराणिक स्थल से। चौबे जी, आज आप महाराधाम मंदिर पर आए हैं पूजन अर्चन के लिए, महाराधाम में लोगों की आस्था क्या है? महाराधाम से लोगों की आस्था इतनी जुड़ी हुई है कि लोगों को इस धाम के बारे में सुन करके या यहाँ पर पूजन अर्चन करके एक इतना विश्वास है लोगों का इस धाम के प्रति कि यहाँ जो भी अपनी मुराद मांगने आते हैं उनकी मुराद पूरी होती है, ज़रूर होती है। और सब लोग यहाँ आ करके अपना मन चाहा मुराद लेकर के लाभान्वित होते हैं और दर्शन पूजन करते हैं और सार्थक जीवन अपना। आप कितने दिन से यहाँ पर आते जाते हैं? हमारा तो जन्म स्थान यही है, हम तो जन्म से जब से चेतन हुए तब से आते जाते हैं हम लोग। कैसा लगता है आपको यहाँ आने पर? अरे हम लोग तो गदगद रहते हैं कि हमारे एकदम बिल्कुल गोद में भोलेनाथ बैठे हुए हैं। इससे पर्ची अपना बता दीजिए। मेरा नाम शशिधर सिंह है, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ, इस महाराधाम पर लगभग 40 वर्ष तक रहा हूँ और यहाँ के हर महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ता है मैंने। मठ साहब, देखा जाए तो आप महाराधाम में बैठे हैं, महाराधाम की महत्व के बारे में क्या बता सकते हैं आप? महाराधाम का महत्व जो भी कहा जाएगा थोड़ा है। यह स्थान, यह पावन भूमि, यह महाराधाम त्रेता युग से बिलोंग करता है, संबंध रखता है, अर्थात राजा दशरथ जी का ये तपोभूमि है। राजा दशरथ जी यहाँ पर भगवान के प्रति श्रद्धामान होकर के पूजा अर्चन करते थे, इसके पीछे कारण है। कारण यही है कि चौथा पन्न में तो कोई संतान नहीं था, दुखी थे। विश्वामित्र वशिष्ठ जी के अपना निवेदन कहे, उन्होंने कहा कि आप 13 मुखी शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर लेंगे तो आपको पुत्र प्राप्त होगा, सुख आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ महाराधाम में 13 मुखी शिवलिंग है, ये पता करके आए और बहुत यहाँ का कायाकल्प करके अपना रुद्राभिषेक कराए, फिर अयोध्या चले गए। वहाँ श्रृंगी ऋषि के आश्रम साथ में सरयू नदी के तट पर उन्होंने प्रतिष्ठित यज्ञ कराया, चार पुत्र प्राप्त होकर के जब लड़के बड़े हुए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो उससे प्रभावित होकर के पुनः आए वो महाराधाम पर और अयोध्या से लेकर के महाराधाम तक रथ उस समय सवारी थी। वो आज भी अभिलेख में, राजस्व अभिलेख में रथोट नाम है, रथ आया और उन्होंने शिव और पार्वती की जुगल मूर्ति को एक अर्घ में एक शिव मंदिर में स्थापित कराए। यह अधिकार शिव पुराण के अनुसार केवल चक्रवर्ती सम्राट को था, यह अधिकार नहीं था, इसलिए बनवाए। ये बहुत बड़ा साक्ष्य है। और राजा दशरथ जी का मार्ग पूछा, रथोट मार्ग आज भी राजस्व अभिलेख में दर्ज है, ये पहली विशेषता है। दूसरी चीज की एक बहुत बड़ा महल बनवाए, यहाँ रुकते थे महीनों, शिकार करते थे, पूरा आखिर जंगल था, तो वो उसको आज भी हम लोग बोलते हैं, वो उसका अवशेष है, वो राजा दशरथ जी की गढ़ी। और उसका दो मकसद था, एक महल में आकर महीने भर रहते थे, आगे सामने एक लंबा सा तालाब बनवाए कम से कम 400-500 मीटर का और पक्का तालाब बना, उसमें स्नान करके और शंकर जी का वो रुद्राभिषेक करते थे और उसमें एक सेना की टुकड़ी रहती थी।
चूँकि ये पूर्वी भाग था, यहाँ से बक्सर वगैरह नज़दीक था, राक्षसों का भय था, इसलिए एक सेना की टुकड़ी यहाँ रहती थी। दूसरी बात यह है कि जिस 13 मुखी शिवलिंग का रूप का अभिषेक कराए, वह 13 मुखी शिवलिंग कहीं नहीं है, ये पश्चिमामुख है। उनकी मूर्ति पश्चिम मुख की तरफ है, हमारे सभी देवी देवताओं के मुख जो है वो पूरब होता है, ये सबसे बड़ी विशेषता है, ये हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। चौथी बात यह है कि यहाँ पर बगल में ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो कि पुष्कर को छोड़कर के कहीं हिंदुस्तान में नहीं है, और इसका शुभ पुराण साक्ष्य है कि ये जहाँ शंकर भगवान और पार्वती जी रहेंगे वहीं इनका स्थान है, इसकी लंबी कहानी है शुभ पुराण के अनुसार। इस तरह से देखा जाए पौराणिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और त्रेता युग से अब तक का यहाँ साक्ष्य और सबूत है, संक्षेप में इसका कोई जवाब नहीं पूरे हिंदुस्तान में। ये स्थान, इस स्थान के लोग भगवान के भक्ति से ओत प्रोत होकर के सारे शुभ अनुष्ठान करते हैं, दुनिया को नहीं बताए, दुनिया को नहीं जना पाए, इसलिए इसका विकास नहीं हुआ। मेरा निवेदन है कि ये शासन की निगाह में जाए कि इसका बहुत बड़ा उत्थान हो, विकास हो, कि लोग यहाँ का लोग लाभान्वित हो।